हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विस्ट इन तड़का। आजकल हर डॉक्टर, हर डाइटिशियन हमें प्रोटीन खाने के लिए रेकमेंड करता है और ये प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो आप अपनी हर मील के साथ इंक्लूड कर सकें, एक ऐसी डिश जो आप अपने स्नैक्स में भी खा सकते हैं और अपने मील के साथ भी खा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे चिकपी सैलड, और ये सैलड हम एक तरह से नहीं, दो तरह से बनाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं चिकपी सैलड के इंग्रेडिएंट्स और उसकी रेसिपी। तो सैलड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कप बॉयल्ड चिकपी लिए हैं। इनको मैंने धो के अच्छे से बॉयल कर लिया है। उसके बाद हम इसमें आधा कप प्याज डालेंगे, जो ये प्याज मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये मैंने आधा कप और 15 से 16 बेबी टोमेटोज लिए हैं, तो ये डालेंगे हम इसमें। इसको मैंने बीच में से काट लिया है। मैंने एक ये खीरा लिया है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। ये मैंने एक चीज़ स्टिक ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये चीज़ डाल देंगे। ये आधा बीटरूट मैंने और 1/4 कप ऑफ बीटरूट, बॉइल्ड बीटरूट है, ये डाल देंगे। 1/4 कप सिलेंट्रो ये डालेंगे। आधा मैंने एवोकाडो लिया है, ये डाल देंगे। इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये तो हो गई हमारी सारी सब्जी जो हमने इसमें डालेंगे सैलड में। अब हम इसकी ड्रेसिंग बनाते हैं। चिकपी सैलड की ड्रेसिंग बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है। इसमें हम 2 चम्मच नींबू का जूस डाल देंगे। ये मैंने 2 गार्लिक क्लव्स लिए हैं जिसको मैंने अच्छे फाइन चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे करीब 1 चम्मच हनी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें, अगर आप गार्लिक पसंद नहीं करते, आप इसमें गार्लिक ना भी डालिए, पर गार्लिक से ये टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको सबको मिक्स करने के बाद हम इसमें करीब 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट ड्रेसिंग एकदम रेडी है। अब हम इसके बाद दूसरी ड्रेसिंग की तैयारी करते हैं। दूसरी ड्रेसिंग के लिए मैंने आधा कप दही लिया है। ये मैंने हंकर लिया है क्योंकि मैं इसको हेल्दी बनाना चाहती हूँ इस सैलड को, तो इसलिए मैं इसमें मेयो यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसमें हम डालेंगे करीब 1.5 टेबल स्पून नींबू का रस। मैंने यहाँ पे गार्लिक पाउडर लिया है, गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून, और उसमें हम डालेंगे काली मिर्च करीब 1/4 टेबल स्पून, और साथ में डालेंगे काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी सेकेंड ड्रेसिंग भी रेडी हो गई है। अब हम सैलड लेंगे जो हमने ऑलरेडी प्री मिक्स करके रखा हुआ है। इस सैलड में ही मैं सारी ड्रेसिंग डाल दूंगी, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। आप इसको इसी तरह से नमक ना डाल के सिर्फ लंच में भी ले जा सकते हैं, तो इसको आप लंच में एज ए मील भी खा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सैलड एकदम रेडी है, जो कि दही की ड्रेसिंग के साथ बनाया है। अब हम दूसरे सैलड को भी बनाते हैं। तो सेम वेजेस के साथ और सेम प्रपोर्शन के साथ मैंने एक और बॉल सैलड बॉल तैयार कर लिया है, और इसमें हम ये वाली ड्रेसिंग डाल देंगे, गार्लिक ड्रेसिंग, और इसको मिक्स कर देंगे। और देखिए, इस तरह से हमारा ये भी इजी पीजी सैलड एकदम रेडी है। आपको कुछ भी बाज़ार से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी सब्जियां हैं वो डाल सकते हैं आप, गाजर डाल सकते हैं आप इसमें, और अगर कोई एवोकाडो नहीं मिल रहा है आपको तो आप वो मत डालिए। आपको जो भी सब्जीज़ अवेलेबल हो वो डालिए, और ये ड्रेसिंग आप घर पर ही ईजिली बना सकते हैं। तो देखिए, दोनों सैलेड एकदम रेडी हैं, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इनके ऊपर नट्स डालना चाहें
तो आप इनके ऊपर कोई भी सीड्स और कोई भी नट्स डाल सकते हैं। मैं इनको इनकी गार्निशिंग वॉलनट से कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छी लगती है सैलड में। तो इस तरह से आप ये सैलड बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। तो आप इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, ये सबको बहुत पसंद आएंगी आपके घर में, और अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।